जिसके लिए कृषि विभाग जन जागरण अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें गढ़वाली कुमाऊनी लोकगीतों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि चकबंदी को लेकर सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिससे राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि योजनाओं के साथ ही गांवों के विकास के लिए कार्य शुरू कर रही है, जिसके लिए पर्यावरणविदों और एक्सपर्ट की समिति भी बनाई जाएगी। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि चकबंदी को लेकर सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिससे राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी। इसलिए हमने बहुत सरकार ने एक आंदोलन के रूप में इसको लिया है। हम कानून भी बना रहे हैं और एक माहौल भी बना रहे हैं, और उसके लिए हमने लोकगीतों के माध्यम से तीन गढ़वाली, तीन कुमाऊनी, तीन जौनसारी बोलियों में फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज रखा है। 9 प्राइज हम देंगे। पहला प्राइज 1 लाख का होगा, दूसरा 70,000 का, तीसरा 50,000 का, जिससे कि इन लोकगीतों के माध्यम से हम जो किसान महोत्सव हैं, सर्दोत्सव हैं, ग्रीष्मोत्सव हैं, उन सब में इन लोकगीतों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जन जागरण और एक माहौल बनाया जाएगा। सरकार की जो तमाम योजना है, चाहे जलागम हो, कृषि हो, उद्यान हो, जल निगम हो, पेयजल हो, सिंचाई हो, उन सारी योजनाओं को भी हम उन गांव के विकास में लगाएंगे जो गांव चकबंदी के लिए आगे आएंगे। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सरकार ने महसूस किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में लगातार जो उत्तर प्रदेश में हम जब थे, पलायन की जो समस्या थी, राज्य बनने के 14 साल बाद भी वो चस की तस है। बजाय राज्य बनने के बाद बहुत तेजी के साथ ये पलायन की समस्या बढ़ी है,